रिफ्लैक्शन एंड रिफ्लैक्शन कॉन्सेप्ट टू बी कवर्ड फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी विल सी जो हमने देख लिया है लेकिन एक बार उसके न्यूमेरिकल्स हम थोड़े प्रैक्टिस करेंगे मिरर फॉर्म्यूला लेट स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक मिरर फॉर्म्यूला

एक दूसरी बात भी है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन क्या है तो आपने हर रे डायग्राम में उस रिलेशन का यूज़ किया है अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आठ लेता था तो आप फोकल लेंथ कितनी लेते थे चार आधी लेते थे क्या लेते थे दैट्स मीन फोकल लेंथ क्या होगी तो जितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर है उससे क्या हो जाएगा हाफ कोई प्रॉब्लम तो अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे अदरवाइज आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं टू को सामने ले जाओ तो टू एफ ये याद रहेगा आपने को सो दिस इज वन एडिशनल एंड सिंपल लॉजिक ओके हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कुछ कैलकुलेशन करेंगे और फिर आगे जाएंगे इसमें कोई प्रॉब्लम है पहले तो चलो तो आ, टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल हम देखते हैं एन सी ई आर टी एग्जाम्पल नंबर वन क्वेश्चन पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अ कॉन्वैक्स मिरर यूज्ड कौन सा मिरर लिखा है उन लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल अ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया है हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है थ्री मीटर कितना दिया है थ्री मीटर इफ अ बस इज लोकेटेड फाइव मीटर फ्रंट ऑफ़ दिस मिरर मतलब मान लो यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और उस मिरर से बस कितनी दूर है पाँच मीटर कितनी दूर है तो ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ हमारा ये और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं यू से तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया है फाइव मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पॉजिशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज क्या क्या फाइंड करना है पॉजिशन मीन वी फाइंड करना है राइट नेचर एंड साइज नेचर फाइन करना है ओके okay. साइज जो फाइन करना है वो हम मैग्निफिकेशन सीखने के बाद करेंगे बरोबर क्योंकि साइज किससे मिलती है अपने को मैग्निफिकेशन से अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो पहले तो हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया आर दिया है यू दिया है वी फाइन करना है चलो कोई बात नहीं मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था यूज साइन कन्वेंशन तो हमें पता है ये कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है ओके okay, उसका पी कहाँ होता है यहाँ पे एफ कहाँ होता है यहाँ पे और सी कहाँ होता है यहाँ पे तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट डायरेक्शन में होगी फोकल लेंथ यहाँ होगा कोई प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है. तो क्या लेंगे माइनस तो भले ही दिया है पाँच लेकिन हम उसके सामने क्या रखेंगे कोई प्रॉब्लम रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड है तो वो क्या लेंगे पॉजिटिव तो पॉजिटिव को अगर कुछ ना लिखे तो चलता है वो हम पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं अब हमें वी चाहिए अब हमारा मिरर इक्वेशन क्या है सो तो हमारा मिरर इक्वेशन है वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन लेकिन यहाँ पे एफ तो दिया नहीं है लेकिन क्या दिया है आर दिया है तो आर का भी इक्वेशन है हमारे पास एफ इजिक्वल टू क्या होता है आर डिवाइड बाय आर की वैल्यू रख दो कितनी दी है थ्री तो एफ इजिक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री डिवाइड बाय टू मीटर कोई प्रॉब्लम एकदम ईजी कैलकुलेट कर सकते तो देखो एफ़ मिल गया हमें यू दिया है वी फाइन करना है हो सकता है सारी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं चलो आ जाओ तो यू की वैल्यू क्या दी है हमें तो यू माइनस फाइव तो वन अपॉन क्या रखेंगे माइनस फाइव डन है ये प्लस वी हमें फाइंड करना है एंड एफ़ की वैल्यू कितनी दी है तो वन डिवाइड बाय है ना डिनोमिनेटर में वन डिवाइड बाय थ्री बाय टू कोई प्रॉब्लम अब हमें पता है कि ये थ्री और ये टू टू क्या है डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है कहाँ चला जाएगा न्यूमिनेटर में चलो बहुत बढ़िया तो हम इसको यहाँ थोड़ा बाजू में ही कैलकुलेट कर लेते हैं सो दिस टर्म वी कैन राइट डाउन एज अस वन अपॉन फाइव प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू टू कम टू इन न्यूमेरेटर तो टू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा थ्री वी फाइन करना है तो इसको सामने भेजो वन अपॉन वी इज इक्वल टू टू बाई थ्री माइनस का क्या हो जाएगा प्लस वन अपॉन फाइव अब ये कैलकुलेशन हम सीख कर आए हैं कौन सी मेथड मारो एंड मरो ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा तो फाइव टू जा टेन थ्री वन जा थ्री और नीचे का मल्टीप्लाई थ्री फाइव ज़ा ये क्या मिला वन अपॉन वी ये आंसर आएगा हमें क्या चाहिए वी तो क्या लेना पड़ेगा रेसी दोनों को उल्टा करना पड़ेगा तो इसका रेसी क्या हो जाएगा वी और इसका क्या हो जाएगा फिफ्टीन डिवाइड बाय थर्टीन तो ये इसका डिवीजन कर लो ये जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर अब डिवीजन मैं सिखाऊँ ऐसा अगर ऐसा मैंने सिखाया तो वो तो इंसल्ट होगी आपकी क्या होगी कि सर रहने दो ऐसा मत करो तो ये डिवीज़न करो और आंसर ला देने का एक और न्यूमेरिकल देखे ओके इसका जो मैग्नीफिकेशन है आ, वो हम टॉपिक मैग्नीफिकेशन सीखने के बाद वो सॉल्व करेंगे बराबर फॉर्मूला दिया ही नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे अभी चलो <laughs> लिखना है ये लिख दो चलो आराम से समझ लो हर एक चीज़ के देखो कितना इजी है ये चलो एग्जाम्पल नंबर टू सॉल्व करते हैं क्वेश्चन रीड करते हैं और डेटा लिखते हैं हर एक स्टूडेंट अभी यहाँ ध्यान देगा क्वेश्चन ऐसा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ फोर सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड एट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर मतलब हमें मिरर कौन सा दिया है कॉनकेव ये हमारा कॉनकेव मिरर है और उससे ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर चलो अब देख के बताओ माइनस लूँगा या प्लस तो हमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है यू इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर मिरर कौन सा दिया है कौनकेव मिरर चलो नेक्स्ट हमें दिया है इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कितनी दी है फिफ्टीन सेंटीमीटर बोलो प्लस लू या माइनस तो फोकस यहाँ पे होता है और ये वाला फोकस हम कैसा लेंगे नेगेटिव तो हमारा जो फोकल लेंथ है वो कैसा रहेगा नेगेटिव एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शूट स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑपटेन शार्प इमेज हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था सार्प इमेज कहाँ मिलती थी जहाँ पे सारी रेज आके मिले मतलब जहाँ इमेज बने तो हम वो क्या ढूंढना चाहते हैं पोजीशन ऑफ इमेज हमने बात भी की थी कि हम ऐसे हर बार स्क्रीन रख के थोड़ी चेक करेंगे हम पेपर पेन से कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये मिरर इतने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी आप करके भी देख सकते हो ये रहे सारे इंस्ट्रूमेंट फ्री टाइम में आओ चेक करो कैलकुलेट करो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर वी ऑप्टेन करो थियोरिटिकली सिर्फ फिर वही सेम जगह पे रियल एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन रख कर देखो इमेज कहाँ बनेगी वहाँ ही बनेगी तो ब्यूटीफुल साइंस नहीं है ये इसके लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है चलो तो आपको भी लगने लगेगा धीरे धीरे चलो दैट्स मीन v इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डन है सिंपल u है f है v फाइन करना है कौन सा फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला सॉल्यूशन देखते हैं तो मिरर फॉर्मूला कैन बी गिवन बाय वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ यहाँ पे हर एक यूनिट हर एक लेंथ किस यूनिट में दी है सेंटीमीटर में तो आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में ओके ऑलवेज मेंशन द यूनिट देखो यहाँ पे मैंने आंसर ये सब कुछ किस में था मीटर में तो ये जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा अगर आपने यहाँ कुछ नहीं लिखा अगर टीचर को अच्छा नहीं लगा तो आपके नंबर काट सकता है बरोबर तो हम क्यों ना लिखे भाई लिख कर आएंगे चलो तो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। U की वैल्यू वन अपॉन माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस वी हमें फाइन करना है और F की वैल्यू वन अपॉन माइनस फिफ्टीन डन है ये चलो कैलकुलेट कर लेते हैं फटा फटाफट हमें क्या चाहिए वन अपॉन वी चाहिए तो इसको सामने भेज देते हैं सो दिस विल बिकम वन अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फिफ्टीन ये माइनस है क्या हो जाएगा यहाँ पे आके प्लस वन अपॉन ट्वेंटी फाइव कौन सी मेथड अभी आ गई मैथ्स आ गया यहाँ पे साइंस क्या हो गया पूरा हो गया यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया मैथेमेटिक्स ट्वेंटी फाइव यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन एंड फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा नीचे ट्वेंटी फाइव कोई प्रॉब्लम और ये किसका आंसर है वन अपॉन वी का हमें तो किसका आंसर चाहिए वी का चाहिए तो इसका क्या लेंगे रेसिप्रोकल तो चलो वी क्या हो जाएगा हमारा वी इज इक्वल टू फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाय माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन कितना हो जाएगा माइनस टेन सही बात है ना क्या हो जाएगा माइनस चलो इसको सॉल्व कर सकते हैं करने की ज़रूरत नहीं है ऊपर मल्टीप्लाई करो और फिर पॉइंट शिफ्ट कर दो है ना इजी तो यही रहेगा चलो फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन जीरो ट्वेंटी फाइव फाइव टू ट्वेल्व फाइव सेवन थ्री आ गया ये थ्री सेवेंटी फाइव और डिवाइड बाई टेन तो हमें आंसर मिला माइनस थ्री सेवेंटी फाइव डिवाइड बाई टेन तो आंसर कितना आएगा माइनस थर्टी सेवन पॉइंट फाइव क्या आएगा मीटर सेंटीमीटर किलोग्राम सेंटीमीटर क्या लिखेंगे तो देखो गहराई देखो इस फॉर्मूला की गहराई देखो हमने इसको बताया कौन सा मिरर है हमने तो सिर्फ किसकी वैल्यू डाली U एंड f और v क्या मिला नेगेटिव मिला क्या मिला मतलब उसको पता चल गया क्या पता चल गया कि इमेज कहाँ बनेगी इस साइड बनेगी है ना हमने तो याद किया था पहले लेकिन इस इस इक्वेशन को याद करने की ज़रूरत इक्वेशन बोलता है मैं अपने आप में एक कोड हूँ वो बोलते हैं ना प्रोग्रामिंग है ये क्या है ये एक प्रोग्रामिंग है आप इनपुट डालो आउटपुट देख लो बात समझ में आ रही है तो कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है हम कंप्यूटर को क्या देते हैं अलग अलग प्रोग्राम दे देते हैं और फिर हम जैसा इनपुट डालेंगे वो वैसा क्विकली आउटपुट दे देगा चलो तो आंसर कंप्लीट हो गया ये इजी करो नोट डाउन मैग्निफिकेशन देखो बहुत सिंपल सी बात है मेरा ऑब्जेक्ट की साइज चलो पहले साइज के बारे में बात करता हूं ये मीटर मान लो यहां में सी है यहाँ पे एफ है अगर मेरा ऑब्जेक्ट ये कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर अगर मेरा ऑब्जेक्ट बी और सी रखूँगा तो उसकी इमेज कहाँ बनती थी यहाँ बनती थी तो इसकी जो हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट उसको मैं कुछ नाम देता हूँ एच क्या नाम देता हूँ और इमेज की हाइट को नाम देते हैं एच डैस कोई प्रॉब्लम तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना रखा है हमने एच लिख देते हैं यहाँ पे हियर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एच एंड हाइट ऑफ एन इमेज उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं एच डैश अब मान लेते हैं जस्ट फॉर नंबर सपोज कर लेते हैं कि मान लो मैंने यहाँ पे दस सेंटीमीटर साइज का ऑब्जेक्ट रखा था और यहाँ पे उसकी इमेज जो हो गई वो फाइव सेंटीमीटर हो गई तो यहाँ पे इमेज की साइज बड़ी हुई या छोटी हुई छोटी हो गई कितनी छोटी हो गई आधी हो गई क्या हो गई सर ऐसा ही बोलेंगे ना भाई क्या हो गया आधा हो गया ये तो सर तो ये वन हाफ क्या है यही है मैग्नीफिकेशन ये क्या हो गया मैग्नीफिकेशन कि ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में इमेज कितने फैक्टर्स से छोटी होती है या बड़ी होती है वो फैक्टर्स क्या है हमारा मैग्नीफिकेशन एक एग्जाम्पल नंबर दो देता हूँ कि मान लो आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा ये हमारा पी ये हमारा एफ़ ये हमारा सी आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज़ थी 10 सेंटीमीटर कितनी थी 10 और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की इमेज मिली 20 सेंटीमीटर तो यहाँ पे इमेज साइज कितने गुना ज्यादा हो गई टू टाइम्स ज्यादा हो गई कितना गुना टू टाइम्स तो टू क्या हुआ मैग्निफिकेशन बहुत बड़ा बात है ये तो सर पोपलू बात हो गई बहुत बड़ी बात नहीं है तो मैग्निफिकेशन का लॉजिक क्या होता है तो मैग्निफिकेशन 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 इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ एंड ऑब्जेक्ट ओके यहां पर एन डाल देना कोई प्रॉब्लम सो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दाइट ऑफ एंड ऑब्जेक्ट मतलब मैग्निफिकेशन में क्या लेंगे रेशियो लेंगे ऊपर क्या लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज ऊपर क्या लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज और नीचे किसकी हाइट रखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्टेक्ट इमेज की हाइट को हमने क्या बोला है एच डैश और ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या बोला है तो यह हुआ जनरल इक्वेशन क्या हो गया तो मैग्निफिकेशन एम कैन बी रिटर्न एज एच डैस डिवाइड बाई एच वेरी सिंपल रॉकेट साइंस नहीं है लेकिन यहाँ पे भी एक खास बात कौन सी खास बात यूज़ साइन कन्वेंशन कोई प्रॉब्लम बस अच्छी बात है ना ये ये तो करना ही करना है चलो तो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं अपने जहाँ पे हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करना था वहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ा है चलो तो कर सकते हैं मैग्नीफिकेशन फाइंड नहीं हो सकता अभी एक और बात बाकी है आ जाते हैं वापस। थोड़ी और बात कर लेते हैं okay, ओके यहां इसमें किसी को कोई डाउट वन मोर थिंग अबाउट मैग्निफिकेशन वन मोर फॉर्म ऑफ मैग्निफिकेशन वो क्या है तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पता हो क्या पता हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस तो भी हम मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है ना ये मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस रेशियो लेंगे हम इमेज uh, डिस्टेंस सा डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब इमेज डिस्टेंस को हम किसे डिनोट करते हैं वी से और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से कोई प्रॉब्लम लेकिन क्या खास बात याद रखेंगे यूज साइन कन्वेंशन ये सब जहां पे भी मैं ब्रैकेट में बाजू में ये लिखता हूं ये एक जनरल इक्वेशन है इट इज फॉर अ स्फेरिकल मिरर ये किसके लिए है और आप सबको पता है स्पेरिकल मिररर दो टाइप के होते हैं अलग अलग सिचुएशन में सब अलग अलग होता है लेकिन ये कैसा है जनरल इस इक्वेशन में आप साइन कन्वेंशन यूज करो वो उस सिचुएशन में मॉडिफाइड हो जाएगा डन है ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पे हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना था लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट या इमेज की हाइट दी लेकिन हमारे पास क्या क्या है तो हमारे पास यू है और हमने क्या फाइन किया था वी कितना आंसर आया था वन पॉइंट फिफ्टीन ओके या तो फिफ्टीन डिवाइड बाई थर्टीन मतलब वी भी है यू भी है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा भाई हमारा तो चलो यहाँ पे फाइन कर लेते हैं दिस मैग्निफिकेशन एम कैन बी रिटर्न एज माइनस वी डिवाइड बाय यू माइनस एज इट इज वी की वैल्यू कितनी आई तो ये वाला ही फॉर्मेट रखता हूँ मैं फिफ्टीन डिवाइड बाय थर्टीन कोई प्रॉब्लम एंड U की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस फाइव कितनी है तो माइनस रखेंगे कि नहीं रखेंगे रखेंगे तो यहां पे फिर से यहां पे ये यह होगा माइनस फाइव अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा अब कैलकुलेशन कर सकते फाइव थ्री जिफ्टीन तो ये मैग्निफिकेशन कितना आएगा थ्री डिवाइड बाय थर्टीन फिर क्या करेंगे अपने रफ पेज निकालेंगे और उसमें क्या निकालेंगे थ्री को किससे डिवाइड करेंगे ये मैं करवाऊँ नहीं ये मैं करवा सकता क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स की बरोबर है ना उनके नॉलेज की और उनकी बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए होमवर्क में करेंगे अगर किसी को ये सारे काम नहीं आते हैं तो कोई चिंता नहीं करनी है फ्री टाइम लेकर मेरे पास आ जाना मैं सब सिखा दूंगा बरोबर हाँ वो देख लेने का ओके okay, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा मैग्नीफिकेशन का या yeah. वॉट इज ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नीफिकेशन तो ऊपर क्या है डिस्टेंस डिस्टेंस का मीटर होता है नीचे क्या है डिस्टेंस उसका भी क्या होता है मीटर मीटर क्या हो गया कट हो गया क्या हो गया कट नहीं हो जाएगा ऐसा यूनिट फाइंड बाई फिजिक्स भूल गए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा भाई मीटर और इसका भी तो मीटर मीटर क्या हो गया कोई यूनिट होगा डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है ये कैसी क्वांटिटी है यहाँ पे कुछ यूनिट होता नहीं है तो कुछ पीछे लिखने का नहीं फिर कि सर सब सेंटीमीटर में तो उसके पीछे भी लिखो यहाँ कुछ लिखना नहीं है दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल लेस क्वांटिटी एक और भी बात आप याद रख सकते हो जब भी कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो रेशियो हो क्या हो उसका डायमेंशन नहीं होता ये है तो रेशियो ही ना क्या लिखा है हमने मैग्निफिकेशन इज द रेशियो तो रेशियो का कभी डायमेंशन होता डन है चलो तो।, तो इसी के साथ मैग्निफिकेशन कंप्लीट होता है एक और प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकते हैं अपने ये वाले एग्जाम्पल में इसके अंदर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी थी लेकिन वो स्किप कर दी थी अब बताता हो चलो क्या दिया था हमें इसी क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट ऑफ फोर सेंटीमीटर इन साइज क्या दिया है फोर सेंटीमीटर इन साइज तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट तो ऐसे ऊपर ही रखते हैं तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा ओके इस प्लेस्ड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर दिस 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 फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज चलो तो नेचर तो हमें पता चल गया वी कैसा आया नेगेटिव मतलब कैसा होगा ये लेफ्ट साइड टू द मिरर ओके ये पोजीशन हो गई हमारी नेगेटिव है कौन क्यू मिररर है तो रियल होगा एंड क्या होगा इन्वर्टेड होगा यही केस है अब यहाँ पे फोर सेंटीमीटर हमें ऑब्जेक्ट की क्या दे दी है साइज दे दी है और हमें क्या फाइंड करना है फाइंड आउट हाइट ऑफ इमेज क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज सर ऐसा कैसे फाइंड करे तो कोई बात नहीं मैग्नीफिकेशन फाइंड करना हो तो दो रास्ते या तो दोनों की हाइट पता होनी चाहिए या तो दोनों के डिस्टेंस पता होने चाहिए या दोनों के डिस्टेंस पता है हमें वी दिया है यू भी दिया है तो मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा करे काम स्टार्ट चलो तो नेक्स्ट पेज पे करे यहां करते हैं तो मैग्नीफिकेशन एम कैन बी रिटर्न एज माइनस वी डिवाइड बाई यू वी की वैल्यू पुट कर देते वी कैसा है माइनस थर्टी सेवन पॉइंट फाइव तो यहाँ क्या रखेंगे माइनस तो फॉर्मूला वाला है ही है और यहाँ होगा माइनस थर्टी सेवन पॉइंट फाइव ये बात बहुत टेक केयर करनी है बरोबर है ये ध्यान में आई बात यहाँ गलती करेंगे नहीं बाहर फॉर्मूला वाला माइनस है और ये वी की माइनस वैल्यू है इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन यूज करना डन है ये चलो और यू कितना है अपना u है माइनस ट्वेंटी फाइव क्या है u है अपना माइनस ट्वेंटी फाइव चलो अब कैलकुलेशन करो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और प्लस डिवाइड बाय माइनस क्या हो जाएगा माइनस तो हमारा आंसर क्या आएगा थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिवाइड बाय ट्वेंटी फाइव ये मैग्नीफिकेशन हो गया इक्वेशन नंबर वन बोल सकता हूँ बट मैग्नीफिकेशन को और कैसे लिख सकते हैं एच डैस डिवाइड एच तो हमें मैग्नीफिकेशन का आंसर मिल गया मैग्नीफ़िकेशन कितना है माइनस थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव एच डैस हमें फाइन करना है और हमें एच दिया है एच कितना दिया है फ़ोर तो यहाँ पे रख दो फोर मिल जाएगा एच डैस कोई बहुत बड़ी बात चलो तो एच डैस इज़ इक्वल टू माइनस थर्टी सेवन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव जो भी कैलकुलेशन आए अब यहाँ पे एच डैश ये तो हाइट है है ना और यहाँ पे हाइट सब किस में दिए सेंटीमीटर में तो यहाँ यूनिट लिखना ज़रूरी है तो इसकी जो भी आंसर आएगा आपका वो किस में आएगा अपना सेंटीमीटर में कोई प्रॉब्लम फिजिक्स कंप्लीट हो गया यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया मैं करवाऊँ नहीं डन है तो इसी के साथ हमारा मैग्निफिकेशन का पार्ट कंप्लीट होता है चलो मैग्निफिकेशन को मैं वैसे टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे ना बीस मिनट बाकी है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा मैं मैग्निफिकेशन को और मैग्निफाइड वर्जन दिखाऊँ आपको क्वेश्चन पूछता हूँ आपको चलो इंटरेस्टिंग टॉक मैं आपको एक सिर्फ नंबर दूंगा क्या दूंगा क्या ऐसा हो सकता है आपको पता है कि हमें पता है हमने पूरा एक तीन लेक्चर में बहुत सारा नॉलेज लिया कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगी तो कहाँ इमेज बनेगी कैसे बनेगी रे डायग्राम ये वो फलाना डिंकाना सब ड्रॉ किया और फिर हमें पता चलता था कि ऐसा 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 हुआ क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं सिर्फ आपको एक नंबर दूँ क्या दे दूँ और कुछ ना बताओ सिर्फ एक नंबर दे दू और आप उस नंबर को देखकर मेरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी मिरर कौन सा यूज किया है मैंने उसकी साइज क्या होगी वो सब बता सकते हो आप सही है तो जादू हुआ एक नंबर को देखकर क्या इतने सारे डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन है तो आंसर है हा तो अब क्वेश्चन है कैसे जानना है ये जानना है ये तो दिस वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन किसके हेल्प से कर सकते हैं लेकिन ये बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए बात है तो सर क्या बात करो हम भी है करो बात <laughs> चलो तो करते हैं स्टार्ट पहले हम बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में किसके बारे में सबने देखा है प्लेन मिरर कैसा होता है सर प्लेन मिरर प्लेन होता है जिसकी एक साइड ड्रफ होती है और उसके सामने हम रोज जाके खड़े रहते हैं ट्यूशन से आने से पहले हेयर सही है ना हाँ सही है अब मैं जा सकता हूँ हर एक व्यक्ति खड़ा रहता है बाहर निकलने से पहले चलो तो, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी अगर आप मिरर से अगर आप मिरर से वन मीटर कितना मीटर दूर खड़े हो वन मीटर तो आपकी इमेज भी कितने अंदर जाती है वन मीटर बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर ऐसी ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं वर्चुअल कोई प्रॉब्लम वर्चुअली बोलते हैं ना तो यहाँ पे बिहाइंड द मिरर और जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही साइज किसका होता है इमेज का होता है कोई प्रॉब्लम बातें नहीं करेंगे बेटा बातें नहीं करेंगे बीच में है ना समझेंगे हर एक चीज़ को तो अगर ऑब्जेक्ट का हाइट एच है तो यहाँ पे इमेज का हाइट एच डैस इज इक्वल टू ये भी एच ही होगा वर्चुअल इमेज है कैसी है ये वर्चुअल इमेज है इरेक्ट भी है एंड जो साइज है वो भी कैसी है सेम साइज टू दी ऑब्जेक्ट ये तो सब लोग देखते हैं रोज सुबह अगर इस केस के लिए मैग्निफिकेशन निकालने जाए क्या निकालने जाए क्या होगा हाइट ऑफ एन इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट एच डैस ऑब्जेक्ट की हाइट एच लेकिन एच डैश इज इक्वल टू तो क्या है एच तो एच डिवाइड एच आंसर क्या आएगा मतलब अगर किसी का मैग्निफिकेशन वन है तो वो कौन सा मिरर है प्लेन मिरर है कौन सा मिरर है इज़्ज़त से डन है ये केस नंबर टू लेते हैं क्या लेते हैं केस नंबर टू केस नंबर टू में हम लेंगे कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर चलो उसकी मेन मेन पोजीशन को एक बार रिवाइज करेंगे ये मेरा कॉनकेव मिरर है फोकस एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज कहां मिलती थी बिटवीन सी एंड एफ रियल इनवर्टेड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। याद आ रहा है ये चलो अब इसके लिए मैं सिर्फ मैग्निफिकेशन देखने जाऊं तो ये वाला पॉजिटिव होगा एच और ये होगा नेगेटिव एच डैस क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तो यही रहेगा अब हम वैल्यू को अगर पुट करने जाए तो मान लो इसकी साइज दस है तो उसकी साइज़ दस से छोटी होगी मान लेते हैं कितनी है आ, फो फाइव रख लेते हैं कितनी रख लेते हैं फाइव तो मैग्नीफिकेशन क्या लिखोगे एच डैस डिवाइड बाई एच एच डैस की वैल्यू माइनस फाइव कितनी फाइव और एच की वैल्यू टेन तो ये क्या हो जाएगा माइनस पॉइंट फाइव क्या मिला माइनस पॉइंट फाइव मतलब दो चीजें यहां ऑब्जर्व करनी है कितनी चीजें मैग्निफिकेशन है कैसा है और दूसरी बात अब नेगेटिव को भूल जाओ पॉइंट फाइव मतलब लेस देन वन है और नेगेटिव है तो यहां पे नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करता है जो मेरी इमेज है वो रियल है कैसी है रियल है नेगेटिव का मीनिंग रियल इमेज कैसी इमेज एंड मैग्निफिकेशन लेस देन वन का मीनिंग पॉइंट फाइव मतलब क्या हुआ ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी है दैट्स मीन साइज ऑफ एन इमेज इज स्मॉलर देन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट कोई प्रॉब्लम एनालिसिस कर सकते सही बात है कि गलत है ये जो लिखा है ना आप कोई भी मिरर में जाके अप्लाई करो यही रिजल्ट दिखेगा देखना है चलो देखते हैं दूसरा केस नंबर को लेते हैं कौन सा नंबर दो ये मेरा मिरर है ये P, ये F, ये C. अगर C पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी भाई C पे ही बनेगी कोई गलत बात अगर ये हाइट H है तो ये भी H ही बनेगी लेकिन कैसा साइन आएगा माइनस चलो मैग्नीफिकेशन उसका क्या होगा एच डैस डिवाइड बाई एच इन जनरल वैल्यू डालेंगे एच डैस की वैल्यू कितनी आई माइनस एच और एच की वैल्यू एच तो एच एच कैंसिल क्या आंसर आया माइनस वन माइनस क्या इंडिकेट करता है रियल इमेज है ओके माइनस इंडिकेट करता है यहाँ पे कि अगर इसका जो साइन है वो नेगेटिव है मतलब हमारे हमने याद किया हो नेगेटिव मतलब कैसा इमेज रियल एंड मैग्निफिकेशन क्या मिला वन मिला क्या मिला यहाँ पे अगर वैल्यू की बात करने जाए तो मैग्निफिकेशन इज अ वन बट नेगेटिव तो वो कौन सा मिरर होगा कॉनकेव ओके okay. और दूसरी बात कि मैग्निफिकेशन वन मतलब पोजीशन कहाँ होगी एट सी डन है तो मैं बोलू कि मेरे मेरे पास मैंने एक मिरर लिया या तो मैं मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज का एक्सपेरिमेंट किया और उसका मैग्निफिकेशन माइनस वन आया तो आपके दिमाग में तुरंत ही दिमाग खुल जाएगा माइनस मतलब रियल इमेज है वन मतलब सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट है रियल एंड सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट और नेगेटिव आगे कौन सी साइन है नेगेटिव उसका मीनिंग एक दो उसके दो मीनिंग निकालेंगे नेगेटिव के कितने मीनिंग निकालेंगे दो रियल एंड इन्वर्टेड क्या निकालेंगे कोई प्रॉब्लम एक ऐड कर देता हूँ रियल एंड इन्वर्टेड तो नेगेटिव मतलब रियल इन्वर्टेड है वन मतलब सेम साइज है ऐसा कहाँ पॉसिबल है तो कॉनकेव में एट सी पे तो मतलब ये मिरर मेरा कौन सा हो गया ये भी हमें पता चल गया देखो एक ही नंबर से लेकिन सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल दू कि मेरे पास मैग्निफिकेशन प्लस वन है क्या है प्लस का मीनिंग वर्चुअल प्लस का मीनिंग क्या लेंगे है ना प्लस का मीनिंग हम यहां लिख सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट देखो लिखा भी है तो प्लस वन मतलब वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज एक ही जगह पॉसिबल है कौन सा मिरर प्लेन मिरर तो सब कथा समझ में नहीं आ रही है एक नंबर को देखकर और थोड़ा रियाज करो हमने जो कंक्लूजन बनाए उसको नोट डाउन कर लेते हैं कर ले अपने एक बार चलो तो आई एम पी कंक्लूजन पहला कंक्लूजन क्या है कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो उस प्लस साइन को देखकर हमें क्या पता चलेगा इमेज कैसी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट ये तो अच्छी बात हो गई सर है ना दूसरा अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है कैसा है तो इमेज कैसी होगी रियल एंड इन्वर्टेड ये डन है ओके बाकी सब जो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड है वो क्या बताएगा उसकी साइज ओके मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफ एम मतलब माइनस प्लस को छोड़ के जो नंबर है वो वो क्या दिखाएगा हमें साइज ऑफ एन इमेज रियाज करे इस तीन चीजों को पकड़ के चलो तो यहाँ पे रियाज अपने करते हैं ये थोड़ा मैग्निफिकेशन वाला जो टॉपिक है ना वो लास्ट में रहेगा बरोबर अपना पीडीएफ के अंदर क्योंकि मैंने क्या किया है बीच में से यहाँ प्लस दबा दिया है तो वो लास्ट में लीड होता जा रहा है तो उसको होते होने देते हैं। चलो प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी और हमने सी पे ऑब्जेक्ट को रखा था कहां रखा था सी पे अब सी से थोड़ा दूर ले जाए ये हमारा पी ये एफ और ये हमारा सी बिटवीन सी एंड एफ अगर ऑब्जेक्ट रखता हूँ, इमेज कहां मिलती है यहां मिलती है इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी है मतलब अगर रेशियो देखने जाएंगे तो इमेज यहाँ पर दस है तो ऑब्जेक्ट कितना होगा पाँच तो अगर आप रेशियो लेने जाओगे मैग्नीफिकेशन ओके दस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव और फाइव कैसा होगा वैल्यू रखेंगे एच डैश ये क्या है हमारा एच डैश और ये क्या है हमारा एच डैश की वैल्यू क्या है माइनस टेन एच की वैल्यू फाइव तो रेशियो क्या आएगा माइनस टू आया अब मैग्नीफिकेशन माइनस टू आया कितने हिस्से में देखेंगे दो साइन क्या है माइनस माइनस साइन को देखकर क्या से इमेज डिसाइड करेंगे रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्निफिकेशन यहाँ पे ग्रेटर देन वन है क्या बोल सकते हैं इन जनरल अगर बोलने जाए तो ये मैग्नीफिकेशन क्या है वन से बड़ा है वन से बड़ा और नेगेटिव तो ये वाला जो पोजीशन है या तो ये वाला जो मिरर है कौन सा होगा कॉनकेव डन है ये तो देखो और ये स्पेसिफिकेशन इसके अलावा और किसी के पास नहीं होंगे कितनी ब्यूटीफुल बात है ये अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन एंड वो नेगेटिव है तो वो कॉनकेव ही है और उसकी पोजीशन भी आप एस्टीमेट कर सकते हो कि बड़ा है मतलब सी एंड एफ अगर बहुत बड़ा है तो एट एफ बरोबर ना और ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज कंपेरेबल थोड़ी बड़ी है तो बिटवीन सी एंड एफ ऐसा नहीं एस्टिमेट कर सकते हैं अपने कर सकते हैं चलो इतना डीप तो एस्टीमेशन आपको नहीं आता है कोई पूछेगा ही नहीं आपको मेरे अलावा ऐसी बातें लेकिन ये सारी बातें जो है ना उसके रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं है ना सेक्शन ए से क्वेश्चन आ सकते हैं तो मैं चाहता हूं कि हमारा एक नंबर भी कट होए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं चलो नेक्स्ट अगर आप देखने जाओ तो चलो एप पे भी सेम टू सेम ही रहेगा सिर्फ मैग्नीफिकेशन की साइज ग्रेटर देन वन लेकिन क्या लिख सकते हैं एम ग्रेटर देन ग्रेटर देन वन मतलब बहुत बड़ा तो वो क्या हो जाएगा एट एफ चलो लास्ट वाली पोजिशन देखते यहाँ पे पी यहाँ पे एफ यहाँ पे सी यहाँ अपने ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज कहाँ बनती थी यहाँ बनती थी बड़ी बनती थी कैसी बनती थी बड़ी बनती थी तो अगर ये मेरा एच है तो ये मेरा क्या हो जाएगा एच डैस मतलब इसको आपने अगर इस इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पाँच है और ये कितना है फिफ्टीन तो मैग्नीफिकेशन क्या लिख सकते हैं एच डैश डिवाइड बाई एच एच डैश कितना दिया है प्लस लूंगा या माइनस प्लस हो जाएगा कैसा हो जाएगा प्लस फिफ्टीन डिवाइड बाई प्लस फाइव मैग्नीफिकेशन क्या आया मतलब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कैसा है पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड क्या है थ्री पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन का मीनिंग क्या है भाई वर्चुअल एंड इरेक्ट देखो हमने याद किया था सही है कि गलत है एंड ग्रेटर देन थ्री कैसा थ्री मैग्निफिकेशन ओके ग्रेटर देन वन मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन और वर्चुअल एंड इरेक्ट हो तो एक ही केस है कॉनकेव का बिटवीन पी एंड एफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन बट नेगेटिव मैग्निफिकेशन तो बिटवीन सी टू एफ या तो एफ ये वाली रेंज हो गई समझ में आ रही है बातें तो ये हो गया हमारा ये केस तो यहां पे मैग्निफिकेशन हमारा ग्रेटर देन वन वर्चुअल एंड इरेक्ट तो ये वाला मिरर कौन सा होना चाहिए डन है कॉन्वेक्स का देखे चलो आ जाते हैं कॉन्वेक्स केस नंबर थ्री कॉन्वेक्स मिरर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया पोल पी फोकस एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और ऑब्जेक्ट हम यहां रखेंगे तो उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी छोटी वाली तो ये हमारा हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मान लो एच हमारा कितना दिया है दस और एच डैस कितना हो गया हमारा पाँच तो ये पॉजिटिव रखूँगा या नेगेटिव ये भी हमारा मैग्नीफिकेशन का बाहुबली फॉर्मूला एच डैश डिवाइड बाय एच कितना रखेंगे पाँच और एच कितना रखेंगे ये क्या हो गया वन बाय टेन मतलब पॉइंट फाइव हो गया अब यहाँ पे मैग्नीफ़िकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव का मीनिंग कैसा बनता है भाई वर्चुअल एंड इरेक्ट देखो यहाँ पे भी फ़र्क पड़ा सीधा आंसर दे रहा है ना देखो हमने पूरा मिरर ही बदल लिया लेकिन प्लस का मीनिंग बदला एंड मैग्नीफिकेशन लेस देन वन है मतलब ऐसा एक ही केस है ऐसा कहाँ हो सकता है कॉन्वैक्स में हो सकता है कहाँ हो सकता है तो ये सब डेटा जिसके दिमाग में घूम रहा है उसको मैं एक नंबर दूँ उससे वो सारी चीज़ें बता देगा चलो क्वेश्चन दूँ एक छोटा सा प्रैक्टिस ये समझ में आई सारी बात देखो ये समझ में आ गया इट इज़ नॉट ए इम्पॉर्टेंट थिंग्स इसको याद करना पड़ेगा इसको घर पे जाके खुद रियाज करना पड़ेगा एक एक चीज़ एनालिसिस करके डेटा बना के याद करोगे तो वो काम का और आज ही घर पे जाके हर एक चीज़ नई रिवीजन की तो फिर हरे कृष्णा हरे राम बरोबर प्रैक्टिस क्वेश्चन चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मेरे पास मैग्निफिकेशन है माइनस टू या तो चलो ऐसा कि माइनस पॉइंट सेवन मुझे मिरर बताओ ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ और इमेज की पोजीशन बताओ नेचर बताओ सब कुछ बताओ अच्छा तो ऐसा ही बोल देना सब कुछ बताओ तो पहले माइनस साइन देखकर क्या पता चलेगा भाई सर ये जो भी हो लेकिन ये रियल एंड इनवर्टेड है और मैग्निफिकेशन कैसा है लेस देन इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से छोटी है और ऐसा कहाँ होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड वाला देखो रियल एंड इन्वर्टेड सिर्फ एंड सिर्फ कॉन्केव में ही है और कहीं है तो सीधा प्लेन और कॉन्वेक्स तो हट गए और कॉनकेव के अंदर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट दो ही जगह पे है एक इनफाइनाइट पे एंड एक बीड सी पे तो ये वाला केस कौन सा होगा बियॉन्ड सी तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी तो अगर बियॉन्ड सी रखते तो पोजीशन ऑफ इमेज हमने याद किया हुआ है बियॉन्ड सी रखते तो कहाँ मिलता है बिटवीन सी एंड एफ ओके इससे हमें पता चल गया ये है कॉनकेव मिररर यह है पॉजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड हमारा नेचर हो गया और साइज क्या होगी स्मॉलर देन मैंने कुछ बताया था आपको मैंने सिर्फ आपको क्या दिया एक नंबर और उस नंबर को अगर देखने की स्टाइल देखने का नजरिया बदल लिया हमने तो कितनी डिटेल दे देता है देखो इजी अच्छा लगा एक और ट्राई करना है चलो तो प्लस फाइव दिया है तो पहले तो प्लस देख के साइड नेचर पता चल गया है सर वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्निफिकेशन क्या है ग्रेटर देन वर्चुअल एंड इरेक्ट दो केस में ही था एक था प्ल... ओके तीन केस में था एक था प्लेन मिरर में लेकिन वो तो सेम था वो केस गया अब दूसरे दो केस थे एक कॉन्केव कॉन्केव के अंदर बिटवीन पी एंड एफ और एक कॉन्वेक्स में इन फ्रंट ऑफ लेकिन कॉन्वेक्स वाला जो था उसमें मैग्निफिकेशन लेस देन वन था तो ग्रेटर देन वन वाला कौन सा केस बचा सिर्फ कॉन्केव तो मिरर कौन सा डिसाइड हो गया यहाँ से कोई प्रॉब्लम अब कॉन्केव में वर्चुअल कहाँ मिलता था तो अब सब कुछ लोकेशन मिल गया बिटवीन पी एंड एफ तो इमेज कहाँ मिलती थी बिहाइंड द मिरर कोई प्रॉब्लम बिहाइंड द मिरर नेचर कैसा रहेगा हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साइज कैसी रहेगी मैग्नीफाइड है ना कोई प्रॉब्लम मज़ा आ रहा है ये तो गजब बात हो गई कैसी बात हो गई चश्मे निकालने जाते हो ना गए है कभी कितने लोग बैटरी है मेरे जैसे तो वो लोग नंबर निकलवाने जाते हैं तो वो स्पेक्ट्स वाले जो डॉक्टर होते हैं नंबर लिख कर देते, देते हैं कुछ और लिखते दे जस्ट राइट डाउन द नंबर ओनली क्या लिखते हैं जिसमें प्लस माइनस आगे करते हैं वो नंबर को देखकर जो चश्मे बनाने वाला व्यक्ति है वो ये सब चीज जानता है उस नंबर को देखकर वो हर एक चीज एस्टिमेट कर लेता है कि ये टाइप का मुझे लेंस ये टाइप का मुझे लेंस इतने फोकल लेंथ का बनवाना है गहरी बातें है ना ये सर ये तो दुनिया में मैंने कभी सोचा ही नहीं वो इसके लिए क्योंकि आप कभी वहां पे पहुंचे नहीं जिसका जैसा काम होता है वो उसका काम जानता है डन है हम सबके जानते हैं हमारे सब्जेक्ट में <laughs> तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर डन करते हैं थैंक यू वेरी मच गाइस हर एक स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ रिवाइज करेगा याद करेगा और रियाज करेगा डन है ये हुआ एडवांस बातें कैसी बातें मज़ा आया ना लेकिन थैंक यू वेरी मच इसी के साथ लेक्चर कंप्लीट करते हैं